नमस्कार, आपको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो सारे टॉपिक आज रात को मैं लाइव सेशन में आता और डिस्कस करता, लेकिन गणेश चतुर्थी का टाइम है और पूरे फ्लोर पर भागा दौड़ी, मतलब बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं, कभी दरवाजे पर कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो रात के समय कुछ ज़्यादा रहेगा। इसलिए मैंने लाइव का जो आइडिया था उसे कैंसिल कर दिया। और कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे पॉइंट हैं, कई ऐसी फैक्ट हैं जो कि आई थिंक मैं लाइव में प्रूव नहीं कर पाता या लाइव वीडियो में आता, तो शायद उन बातों को साबित करने के लिए जो रेफरेंस या पिक्चर्स या इमेजेस हैं वो शायद मैं लाइव सेशन में नहीं रख पाता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो उम्मीद करूंगा आप वीडियो पूरा देखें और थोड़ा सा जो हवा हवाई थ्योरी चल रही हैं उन्हें जरा साइड में रखकर बातों को सोचने समझने और थोड़ा सा कंपेयर एनालिसिस और ये सब करके उस नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अर्नब के चैनल पर तो अब भैया अर्नब एक फेस बन चुका है सुशांत केस में बहुत सारी बातों को सामने लाने का, तो वो उस चक्कर में ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने चैनल पर बिठा लेता है, बुला लेता है, जो सिर्फ हवा हवाई थ्योरीज बताते हैं। वो साबित करने के लिए उनके पास कुछ तथ्य नहीं है, एविडेंस नहीं है। ऐसे ही कल अर्नब ने किसी सुरजीत सिंह को बिठा लिया था, करणी सेना का वो मेंबर है वो, और उसने कहा कि रिया ने सुशांत की बॉडी पर हाथ रख के सॉरी बाबू बोला। अब इस सॉरी बाबू के ऊपर कल से लेकर अब तक बस एक हेडलाइन बनी हुई है, लेकिन क्या वो जो सुरजीत है क्या इस पॉइंट को वो प्रूफ कर पाएगा? कहीं कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कोई कैप्चर किया? क्योंकि रिया तो रिया है और वो तो कुछ भी कर सकती, रिया तो चुटकी बजा के पलट जाएगी कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये जो ऐसी थ्योरीज होती हैं, हवा हवाई बातें होती हैं, आई डोंट थिंक कि इनसे कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग सीबीआई की डिमांड कर रहे थे, अभी सीबीआई आ चुकी है, सीबीआई बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो आई थिंक वी शुड होल्ड आर हॉर्सेस अ बिट, हम थोड़ा सा तसल्ली कर ले, हमें सीबीआई का इंतज़ार था, सीबीआई आ चुकी है, तो फिर हम लोग क्यों इतना इस केस में क्या बताएं इसको, एकदम गर्मा गर्म दूध पीने की चेष्टा कर रहे हैं। जरा शांति रखिए ना, हमें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं था, सीबीआई पर भरोसा था, सीबीआई आ चुकी है, लेट सीबीआई डू देयर वर्क ना। ये अतरंगी थ्योरीज कहीं साबित नहीं हो पाएंगे। ऐसी अतरंगी थ्योरीज के बीच में एक और थ्योरी आई है कि वो जो एक मिस्टीरियस लड़की थी, मिस्टी गर्ल, किसी ने वीडियो डाला बोला सिमोन खम्बाटा करके है, सिमोन खम्बाटा का एक्चुअल फोटो देखिए आप और उस वीडियो में वो जो लड़की है, अब जिसने वीडियो डाला है वो कह रहा कि कद काठी, और आप देख लीजिए खुद, सिमोन खम्बाटा दो बच्चों की माँ है वैसे और काफ़ी टाइम से एक नॉन फैशन डिजाइनर है, वो रिया सुशांत करण जौहर रणवीर सिंह सबको जानती थी, बट आई डोंट थिंक कि वो जो लड़की है वहाँ पर वो सिमोन खम्बाटा है। आप देख लीजिए दोनों का बालों का स्टाइल, शरीर का स्टाइल, शोल्डर्स, आर्म्स, हाइट, कहीं से कहीं तो कुछ मैच हो रहा है, तो आप बताइएगा कमेंट करके, बाकी मुझे तो नहीं लगा। एक और आज की जो टॉप की हेडलाइन है जो कि मैं बहुत प्राउड के साथ उसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि आसिम रियाज जो अभी 7-8 महीने ही हुए हैं जिसे अपना एक नाम बनाते हुए, अपनी पहचान बनाते हुए, वो इंडिया के टॉप 50 डिजायरेबल मेंस में 17th पोजीशन पर है, यानी 17वें नंबर पर डेब्यू किया है, जबकि उसके पीछे कई स्टार सन्स हैं, कई नॉन पीपल हैं, नॉन फेसेस हैं जो कि काफ़ी टाइम से फिल्मों में हमें दिखते रहे हैं, राणा रघुपति का नाम या ईशान खट्टर का नाम भी काफ़ी पीछे है आसिम रियाज के। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है आसिम के लिए, क्योंकि उसे तो टीवी इंडस्ट्री के लोग किसी लायक समझते ही नहीं थे, नल्ला नल्ला कहते थे, दुनिया भर की बातें करते थे, कई लोग तो चुसलेट कहते थे। तो आसिम ने एक ऐसी लिस्ट में जहां पर काफी सालों से काम कर रहे हुए एक्टर्स हैं उन्हें पछाड़ कर बंदे ने 17th स्पॉट पर अपना डेब्यू किया है इंडिया के टॉप 50 डिजायरेबल मेंस की लिस्ट में। ये अपने आप में किसी अचीवमेंट से कम नहीं है, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। जिस बंदे को आपने सपोर्ट किया हो वो आगे बढ़े, उसका पोटेंशियल लोगों ने नहीं देखा लेकिन हमें पोटेंशियल दिखाई देगा कि हाँ भैया ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये बहुत आगे जा सकता है अगर इसे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो। एंड वो अब प्रूफ कर रहा है अपने हार्डवर्क से, सो फुल मार्क्स टू आसिम फॉर हिज डेडिकेशन हार्डवर्क, और दुआ करेंगे वो बहुत आगे बढ़े। ना दुआ पर ही टिकते हैं हम लोग, बहुत दुआ कर रहे हैं कि सुशांत को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, लेकिन सुशांत को इंसाफ सीबीआई और हमारा सुप्रीम कोर्ट, अदालतें, कानून दे, उसके पहले कहीं ना कहीं भगवान ने एक इंसाफ की तरफ कदम उठा दिया है। करण जौहर और उनकी मंडली ने पूरी कोशिश की थी कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म ड्राइव थिएटर में ना लग पाए, ओटीटी रिलीज की थी इन लोगों ने नेटफ्लिक्स पर, और फिल्म को बहुत ही वर्स्ट घटिया टाइप के रिव्यूज दिए गए थे। अब आप देख लीजिए ऊपर वाले का न्याय,
सूर्यवंशी जो कि पिक्चर है रोहित शेट्टी की, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, रणवीर सिंह है, कटरीना कैफ है और उसमें प्रोड्यूसर करण जौहर भी हैं। मार्च में ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, फिर बोला ईद, फिर अब तो थिएटर वगैरह सब बंद है। अब रिलायंस एंटरटेनमेंट जिसने ये फिल्म बनाई है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो लोग इस फिल्म की रिलीज ज़्यादा दिन टाल नहीं सकते। हद से हद दिवाली या क्रिसमस अगर थिएटर ओपन नहीं हुए तो ये फिल्म भी OTT यानी ओवर द टॉप यानी नेटफ्लिक्स, अमेजोन या किसी ऐसे मंच पर ही जाएगी, ऐसे किसी स्टेज पर ही जाएगी, मतलब इस फिल्म को थिएटर नहीं मिल पाएंगे। और जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली हुई है, अगर थिएटर खुल भी जाएंगे तो शायद लोग नहीं जाएं। तो वो करण जौहर जिसने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया कि सुशांत की फिल्म को थिएटर ना मिले, अब भगवान का ऐसा न्याय देखिए कि उस करण जौहर की इतनी मतलब यू नो खूब पैसा लगाया है, एकदम ब्लॉकबस्टर होती ये फिल्म, अब शायद ये OTT पर आ जाए आने वाले दिनों में, तो ये भगवान का न्याय होगा मैं समझता हूँ। ये कर्मा रिटर्न से एक तरह का कि तुमने दूसरे को गड्ढे में गिराने की कोशिश की, दूसरे की फिल्म को थिएटर में ना जाए ऐसी कोशिश की, अब भगवान का न्याय देखिए कि तुम्हारे सारे हथकंडे दाव अब तुम्हारे ऊपर ही आ रहे हैं। यही नहीं 83 द फिल्म जिसमें रणबीर सिंह और डिप्रेशन एक्सपर्ट दीपिका पादुकोण भी हैं, हालांकि वो कपिल देव वो क्रिकेट का तड़का लगाकर, हो सकता है कि उस फिल्म को OTT पर अच्छी ओपनिंग मिल जाए, बट दोनों ही फिल्म आई थिंक नेपो मंडली को बिलोंग करती हैं, तो जनता जनार्दन ज़्यादा बेहतर जानती है कि उनको कर्मा रिटर्न्स किस तरीके से देना है। तो भैया ये थी आज के दिन की टॉप हेडलाइन जिनका रिव्यू बनता था। एक तो आसिम ने जो मुकाम हासिल किया उसके लिए उसको बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई, वहीं जो अर्नब के चैनल पर 2 मिनट का फेम पाने के लिए लोग अलग अलग थ्योरीज बनाते हैं, आई थिंक अर्नब शुड स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स। CBI की यू नो हमें डिमांड थी, CBI आ चुकी है तो CBI को काम करने दो ना यार। आपके चैनल पर आके जो लोग थ्योरीज या स्टोरीज सुना रहे हैं क्या वो थ्योरीज कोर्ट में साबित कर पाएंगे वो लोग? हम क्यों अपना दिमाग इस चीज में घुसेड़ रहे हैं जिसका यू नो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना है ही नहीं? जब से सुशांत के पिताजी ने FIR की है तब से मैं दूसरी किसी थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता ही नहीं, उनकी फैमिली ज़्यादा बेहतर जानती है। मैंने अपनी वीडियो में जो बातें कही थी जैसे हनी ट्रैप गैंग, सुशांत के परिवार ने भी वही चीज़ बोली। मैंने अपने वीडियो में जो कहा था कि महेश भट्ट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, अब वही चीज़ निकल के आई है। तो ऐसी अतरंगी थ्योरीज पर मैं ट्रस्ट नहीं करता, मैं जाता हूँ अपनी गट फीलिंग पे और मैं जाऊँगा सुशांत के परिवार की क्या ओपिनियन है, उनके वकील क्या कहते हैं। उनके वकील को अगर कुछ और चीज़ें नहीं दिखाई दे रही तो फिर हम और आप कौन होते हैं दूसरी तरफ ताका झाकी करने वाले? ये मेरा ओपिनियन है, बाकी जिन लोगों को सुशांत के नाम से अतरंगी कहानियाँ सुनानी है, भूत प्रेत की कहानियाँ सुनानी है, खुद ही जासूस बनना है, खुद ही जज बनना है, तो वो बन सकते हैं, लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूँ कि बस उसके ऊपर दिन भर 50 वीडियो डालूँ और उसी के ऊपर सब्सक्राइबर्स अर्न करता जाऊँ। हो सकता है आप मुझे थोड़ा वियर्ड कहें लेकिन मैं ऐसा ही हूं, मैं चीजों को तोल मोल कर अच्छे से परख कर बोलने में विश्वास रखता हूं। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया तो उसके ऊपर एक वीडियो डाल दूं, फिर किसी ने बोल दिया तो उसके ऊपर, अरे रिया ने उसको सॉरी बाबू बोला, उसके ऊपर भी कई लोगों ने बहुत वीडियो, दर्जनों की, दर्जन बोलता हूं मैं, कम ही बोलता हूं, लोगों ने हजारों की तादाद में डाल दिए। हमारे पास प्रूफ क्या है इस बात को साबित करने का? अब वो अर्रफ के चैनल पर उस लड़के ने ये भी बोला कि दुबई से कॉल आया था, अब ये तो तभी पता चलेगा जब संदीप सिंह की कॉल डिटेल निकालनी चाहिए। जो बंदा अर्नब के चैनल में बात कर रहा है कि संदीप सिंह के दुबई से लिंक है, रिया ने ये बोला वो बोला, वो खुद उस बंदे के आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली इनके साथ फोटोज हैं। और ताज्जुब देखिए कि इसी सूरज पंचोली को अर्नब अपने शो में अक्यूज्ड बोलता है कि पार्टी की थी, सूरज पंचोली कातिल है, मुजरिम है, ये सब। तो आप ये चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही? जैसे रिया के स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं वैसे ही क्या अर्नब अपने चैनल में चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा? एक तरफ वो कहता है कि सूरज पंचोली ने पार्टी की, वो रेप किया, ये वो, और वो बुलाता उस बंदे को जिसका खुद का सूरज पंचोली के साथ फोटो है, दोस्ती यारी है, तो क्या गारंटी कि वो बंदा सही बात कर रहा हो? ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो लोग वहाँ पर आकर बैठ कर थ्योरीज सुनाते हैं मैं उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? यही करणी सेना जब सुशांत ने भंसाली के सपोर्ट में बोला था तो बहुत कुछ सुशांत को सुनाया था ना, सडनली ये लोग KRK के जैसे जो पहले खूब सुनाया फिर उसके सपोर्ट में खड़े हो गए सिंपथी लेने के लिए। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय। अगर मैंने सुशांत की जीते जी कभी अच्छा नहीं बोला तो उसका बुरा भी नहीं बोला मैंने, लेकिन इन लोगों ने तो भर भर के उसे बुरा बोला। नाउ दीज गाइज आर बिकमिंग वॉरियर्स फॉर SSR, एटलीस्ट मैं ऐसा नहीं हूँ। तो कमेंट करें आपके ओपिनियन, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें DS Crux अगर आपने नहीं किया तो।
आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी। भगवान गणेश काटे सभी के जीवन से कलेश। थैंक यू।